एक पासे पंजाब कांग्रेस का काटो कलेश ते दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू दे लगातार तेवर बरकरार ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाई कमान दे नाल मीटिंग करन तो पहला उन्हां दा खास जिहड़ियां जिम्मेवारियां नूं लैके धन्नवाद कीता। इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया ते मीडिया एडवाइजरां दे नाल गलबात करके कहा कि उह किसे भी कीमत ते समझौता नहीं कर सकते। इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों होर की कुछ कहा गया वह भी सुनाने हैं, पर उस तो पहला दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सुर्खियां दे विच ने। एक पासे अस्तीफे देने दी जिहड़ियां चर्चावां भी बरकरार ने, ते अज मीटिंग दे विच देखण वाली गल होवेगी कि नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा वापस लैंदे ने या नहीं। पर उत्थे ही दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सुर्खियां दे विच ने, ते जिन्हां दे वल्लों किसी ना किसी मुद्दे ते लै के गलबात की जाती है, ते सोशल मीडिया से जिहड़ी अपने मीडिया एडवाइजर के नाल गलबात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने होर की कुछ किया, आओ सुनते हैं। देखो पंजाब दे जिहड़े रूहानी मसले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे, गुरु साहब का इंसाफ जिहड़ा वलूंदरे हिरदिया चों बारंबार इंसाफ की गुहार करता है। मावां दे खोए हुए पुत, बजुर्गों की तां कि जिहड़ा बहु करोड़ी ड्रग मामला सी उहदा इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वह साडी अगली नसल नाल जुड़िया हुआ, अगली पीढ़ी नाल जुड़िया हुआ। ये सब लॉ एंड ऑर्डर दे मसले ने, लेकिन इन्हां तों अलावा जिहड़ा छड्ड के, और ये सब तो अहम, ये प्रायोरिटी लिस्ट ने जी, जिहड़ा हाईकमांड का भी प्रायोरिटी लिस्ट है। लेकिन इन्हां तों अलावा अगर तुसीं असली संघर्ष पुछो, असली मुद्दे पुछो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक संघर्ष हो, तो चाहे वह समाजिक संघर्ष हो, जिहड़ी असली लड़ाई है, जिहड़ी असली संघर्ष जिहड़ा हैगा वह यह है कि पंजाब दे खजाने की लुट नूं रोक के निजी जेबां चों पैसा, चंद निजी जेबां चों माफिया की जेब चों पैसा कढ के पंजाब दे खजाने चों, ये सब तो वड्डा संघर्ष है। और मैं तुम 17 साल की मेरी जिंदगी देख लो, मैं ये लड़ता रहा। लोग भटकाने की कोशिश करते, लोग भ्रम पाने की कोशिश करते, लेकिन मैं ना भ्रमित होने दवा, ना भटका मुद्दे, मैं मुद्दे से घड़ीस के वापस ली। थोड़े पंजाब मॉडल भी झलक दिखती है बिल्कुल, पर असल हल है कि हल की है। फिर देखो पंजाब मॉडल ये नहीं कहता भी खजाना खाली, पंजाब मॉडल ये कहता भी खजाना भरना किवें, मुद्दा ये है। क्योंकि तुसी अगर एनालाइज करोगे पिछले किन्ने अरसे तो तुसी देखो, देखो टेक्निकल गल्लां ने, टेक्नोक्रैट करूंगा ठीक है, होर ऐ जे मसले ने, ब्यूरोक्रैटिक मसले ने, किन्ने ही मसले ने, वो टेक्निकली पॉलिसी डिसीजन सारा कुछ हो जाता जी, लेकिन वो निपरे क्यों नहीं चढ़ते, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे, वो अलग चीज़ा ने। वो एग्जीक्यूट इस करके नहीं होंगे क्योंकि पंजाब की हर समस्या का समाधान फाइनैंशियल है, इनकम है पंजाब की, जिहड़ी कि पंजाब दे कोल घटती जा रही है, एक कर्जे का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, और उस करके पंजाब के मसले जड़े ने वो सुलझ नहीं रहे। तुसीं बिजली की गल करो, को टेक्निकल गल्लां ने भी, तुसीं 200 यूनिट देने, 300 यूनिट देने, या तुसी 10 रुपये तो बिजली PPA रद्द करके तुसी 3 रुपये तो 5 रुपये करना है, ठीक है जी, या तुसी एक फिक्स्ड सबसिडी देनी है, चलो जी 1000 रुपये हरेक घर दे देंगे, हर बंदे नूं 19 सबसिडी देनी है। ये टेक्निकल मसले ने जी डल्ला साहब, ठीक है। होर मुद्दा लियाओ तुसी इस तों बाद जिहड़े मुद्दे, जिवें अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सी, अंबेडकर स्कीम लॉन्च की थी पिछली बार सरकार ने 1 साल पहला, लेकिन पंजाब सरकार दे नहीं सकी, क्यों नहीं दे सकी, टेक्निकल मसला नहीं सी, इनकम का मसला है, इनकम का मसला है। 50-50 हज़ार के बाले गरीबों देने ने, या दलित वीरां नूं असी प्लॉट देने, 5-5 मरले वाले, ठीक है जी, वो भी टेक्निकल मसले ने। लेकिन असल मसला की है जी, केजरीवाल साहब इतने आके कहते हैं भी मैं 25-26 लाख नौकरियां दे दूंगा, तुम्हें पर्चियां संभाल के रखो, हाँ जी पर्चियां संभाल के रखो, आ फलानी चीज मैं फ्री दे दूंगा, हाँ जी, आ हूँ एक नवा अनाउंसमेंट करके गए, ने की करके गए दसो,
16,000 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 1,00,000 ਸਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹੋਰ ਸੌਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਰਵੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਡੁਬਈ ਡੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ 1992 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਤ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ 5-7,000 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਸਟੇਟ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ